एग्जाम बहुत ही चैलेंजिंग फर्स्ट स्टेज है यूपीएससी एग्जाम का, और कल सुबह अगेन प्रीलिम्स एग्जाम इज बीइंग हेल्ड ऑल अक्रॉस द कंट्री। फ्रेंड्स, मेरे लिए इनिशियल ईयर्स में जब मैं अटेम्प्ट दे रहा था तो प्रीलिम्स वाज अ वेरी बिग चैलेंज, बिकॉज मैं हमेशा नर्वस हो जाता था। और मुझे लगता है कि प्रीलिम्स ना केवल हमारी नॉलेज का टेस्ट है, बट इट इज ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ अवर कॉन्फिडेंस। तो मैं अक्सर जो लोग मुझसे गाइडेंस मांगते हैं या मुझसे सलाह मांगते हैं, तो मैं उन्हें बताता हूं कि प्रीलिम्स एग्जाम में हमें एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, टू द एक्सटेंट ऑफ कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस की जरूरत है, बिकॉज ये एग्जाम बहुत ही इंटिमिडेटिंग हो जाता है। और क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चंस का पैटर्न बहुत एनालिटिकल होता है, तो उसमें बहुत चांसेस हैं कि इफ वी आर नर्वस वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द रॉन्ग आंसर। सो मैं ऐसा समझता था कि मैं माइंड में अपने आप को प्रिपेयर करके जाता था कि मुझे कल सुबह जो है वो एग्जाम आई विल बी द बेस्ट परफॉर्मर इन द प्रीलिम्स एग्जाम। आई यूज टू गो एंड थिंक लाइक दैट, एंड मुझे इस अप्रोच से बहुत फायदा हुआ क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थोड़ा जम कर जाता था, और उसकी वजह से जो मेरे नर्वसनेस में गलतियां होनी है वो कम होती थी। सो ऑब्वियसली आई नीडेड टू वर्क ओवर टाइम ऑन माय एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड फॉर द एग्जाम। फर्दर वन इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज दैट कि मैं एक दिन दो दिन पहले से जो है एग्जाम के पढ़ाई बिल्कुल बंद कर देता था। देर वुड बी नो रिविजन, आई विल गो वॉच अ मूवी सो दैट आई कैन रिलैक्स माई सेल्फ एंड अटेन अ मेंटल स्टेट वेयर आई एम वेरी स्टेबल, सो दैट मैं एग्जाम को फेस करने के लिए बिल्कुल कैजुअल और कूल होकर जाऊं, और बिल्कुल भी नर्वसनेस का एलिमेंट जो है और कम हो जाए मेरे मेंटल लेवल पर। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि दिस अप्रोच कैन रियली वर्क, एंड कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि नर्वसनेस की वजह से एग्जाम कल सुबह बैकआउट कर जाएंगे, या फिर हो सकता है कि वो जब पेपर देखें देन दे टेंड टू गेट वेरी नर्वस बिकॉज अ पेपर ऑफन इट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल एंड यू हैव नॉट रेड मच अबाउट इट। तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट और भी है कि हाउ मेनी क्वेश्चन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट। तो फ्रेंड्स, एक सिंपल सा रूल है कि इफ यू डोंट नो अबाउट द सब्जेक्ट दैट इज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, यू शुड नॉट इवन अप्रोच इट एंड यू शुड नॉट आंसर इट। द बेटर थिंग वुड बी वेयर यू हैव सम आइडिया अबाउट द सब्जेक्ट, ऑन दैट क्वेश्चन यू कैन थिंक वेदर यू आर गोइंग टू आंसर इट और नॉट। बट दोज विच आर जस्ट आउट ऑफ योर नॉलेज डोमेन, दोज क्वेश्चन यू शुड आउटराइटली sideline that these questions I'm not going to even read again and waste my time on it, because obviously wasting your time over it, and there's a high chance that you're going to mark the wrong answer and there's a negative marking, so you are going to be punished severely for that. So important thing is ki we have to remain confident. Then second important thing is that we have to choose our questions that we are going to attempt very wisely. I'm not saying that you should attempt very less questions. I'm saying that ये अपने mind में आप अपनी strategy के हिसाब से clear रखें कि how many questions you want to attempt. I think I'm sure you have already worked it out कि आप किस range में अपना answers रखना चाहेंगे। सबकी अपनी strategy भी होती है, but yes, it cannot be इतने कम भी ना हो जाएं कि हम passing marks से नीचे ही चले जा रहे हों। So you have to have a reasonable idea, and that will depend on the question paper also, and depends on your preparation level also. So friends, मेरी तरफ से आप सभी को a very warm all the best, and I wish that you all come out with flying colors tomorrow. Thank you, friends.